गणतंत्र दिवस के दिन शहर के कलमना पुलिस थाना अंतर्गत एक व्यक्ति पर 5 लोगों द्वारा प्राण घातक हमला किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के भीतर आरोपियों की खोज कर पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आती है, उनकी रोकथाम के लिए शहर पुलिस हमेशा ही तत्पर रहती है। ऐसा ही कुछ कारनामा कलमना पुलिस ने भी किया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को फिरियादी और जख्मी ड्रैगन पैलेस से दर्शन कर घर जा रहे थे। जब वे गंगवाने लेआउट के पास पहुंचे तब उनकी गाड़ी के पीछे से एक गाड़ी आई, जिसमें 2 युवकों ने जख्मी की गाड़ी को रोका और जख्मी से गाली गलौज कर फिरियादी के पति पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस संदर्भ में फिरियादी ने कलमना पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए कलमना पुलिस ने 5 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। 26 जानेवारीला प्रवीण गजबे आणि त्याची पत्नी अचल प्रवीण गजबे हे दोघं बाबा बुद्धजी नगर येथून ड्रॅगन पॅलेस येथे फिरायला आले होते। तेथून गंगोई अपार्टमेंटकडे त्यांचा प्लॉट होता, प्लॉट पाहण्यासाठी ते चालले होते। कामठी रोडकडून ते कळमनाकडे येत असताना गंगोई अपार्टमेंटकडच्या कच्च्या रोडला ते वळले असतात। त्यांच्या पाठीमागून एक ॲक्टिवावर दोन्ही संभाले, त्यांनी गाडी थांबवली आणि त्याच्या पत्नीला पाळून ते प्रवीणच्या पाठीमागे चाकू घेऊन पळाले। प्रवीणला गंभीर जखमी केलं आणि तसंच पाठीमागून बाईकवर राहून दोन्ही संभाले असे चारींनी प्रवीणला म्हणजे जवळपास 20-25 जखमा केला, तर तो तिथं रक्ताच्या थरोळ्यात पडला। अगदी 5-10 मिनिटांनी तिथून जाणारे एका फोर व्हीलरला त्याच्या पत्नीने हात दिला आणि त्याला कामठी येथील लॅपिन हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं। हे चारी मारेकृती यांनी त्यांच्या गाड्यांच्या नंबर प्लेट काढून टाकल्या होत्या, तसंच त्यांनी त्यांच्या चेहऱ्यावर मुखवटे धारण केलेले होते। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अभय उर्फ बाबू राजेंद्र यादव, विशाल उर्फ दादू विनेश सुनगड़े, शुभम उर्फ शब्बू कमल धैरवाल, गौरव उर्फ लाला सुरेश प्रसाद दुबे और जागेश्वर प्रेमलाल चंद्रवार को गिरफ्तार किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।